वीर ने आज पूरे देश को रोमांचित कर दिया। जापान की मशहूर शिनकानसेन बुलेट ट्रेन में ड्राइवर की सीट पर पीएम मोदी सवार थे, ये वही तस्वीर है। और उनके हम सफर यानी जापानी पीएम शिंजो आबे इस सफर का लुत्फ उठा रहे थे। भले ही तस्वीर महज सांकेतिक हो लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये पीएम मोदी की जिद और उनके दोस्त शिंजो आबे की मदद का ही नतीजा है कि अगले साल यानी 2017 में भारत की पहली मेट्रो रेल के सपने की नींव रख दी जाएगी, या कहें कि बुलेट ट्रेन की नींव रख दी जाएगी। खुद जापानी पीएम ने मोदी की मौजूदगी में आज इस बात का ऐलान कर दिया। मोदी आबे की दोस्ती से हिंदुस्तान को मिलेगी रफ्तार। भारतीय पटरियों पर दौड़ेगा जापानी रथ। जापानी बुलेट ट्रेन का अब होगा मोदीफिकेशन। मोदी और शिंजो आबे की इस तस्वीर से चिढ़ गया चीन। पीएम मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे की दोस्ती की कहानियों से दुनिया पहले से ही वाकिफ है, लेकिन इस दोस्ती की ताजा तरीन तस्वीरें हिंदुस्तानियों को ये भरोसा दे रही हैं कि विकास की पटरी पर देश को सरपट दौड़ाने की मुहिम में जापान भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ा है। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे ने आज टोक्यो से शिनकोबे तक का सफर एक साथ बुलेट ट्रेन में तय किया। ये तस्वीरें उसी दौरान की है। एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ शिंजो आबे, और दोनों के बीच शीशे से बाहर सरपट भागती दुनिया का नजारा। शीशे के उस पार का ये नजारा हिंदुस्तान में दिख सके इसके लिए पीएम मोदी दिन रात एक किए हुए हैं। जापान में बुलेट ट्रेन का सपना 1964 में ही हकीकत बन चुका था। यकीनन हिंदुस्तान बहुत पीछे है, लेकिन मोदी के दोस्त शिंजो आबे हिंदुस्तान को भरोसा दिला रहे हैं कि देरी हुई सो हुई, बुलेट ट्रेन अब जल्द आएगी और जब आएगी तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आएगी। भारत में मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मार्ग का निर्माण 2018 में शुरू हो जाएगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना दोनों देशों के विशेष संबंधों का एक नया आयाम है। हमें उम्मीद है कि भारत में बुलेट ट्रेन प्रणाली शुरू होने से यहाँ के आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। जापान में भी 1964 में बुलेट ट्रेन शुरू की गई थी तो अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला था। रफ्तार वाले हिंदुस्तान की तस्वीर के रंग की खोज में जापान पहुंचे मोदी। जब शिनकोबे स्टेशन पर उतरे तो वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोग पलक पांवड़े बिछाए खड़े थे। हर कोई पीएम मोदी से हाथ मिलाने को बेकरार दिखा। सात समंदर पार अपनों का प्यार लेने के बाद पीएम मोदी फिर से मिशन बुलेट पर जुट गए। जापानी पीएम आबे और पीएम मोदी की जोड़ी पहुंची कावासाकी हेवी इंजीनियरिंग फैक्ट्री, वो जगह जहां जापान की शान बुलेट ट्रेन बनाई या यूं कहे गढ़ी जाती है। शिंजो आबे के साथ पीएम मोदी ने फैक्ट्री का कोना कोना देखा और इंजीनियरिंग के इस शानदार नमूने को हर एंगल से परखा। ट्रैक की तो कई वजह होती हैं, रेलवे की तरफ से वजह ये है कि जापान ने विश्व में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाई थी, तो उनका जो तजुर्बा है वो किसी और देश के पास नहीं है। पर और सामरिक कारण भी हो सकते हैं, उसके बारे में रेलवे अपने आप निर्णय लेगी, वो निर्णय भारत सरकार के होते। भारत के पहले हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के लिए मुंबई अहमदाबाद रूट को चुना गया है। करीब 530 किलोमीटर की इस लाइन पर बुलेट ट्रेन दौड़ने की लागत 980 अरब रुपए है, और अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ देने के लिए मोदी सरकार ने जापान को पार्टनर चुना है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल इसकी नींव रख दी जाएगी और 2018 में ट्रैक निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 2022 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने को तैयार होगी। तो बुलेट ट्रेन के 2023 का लक्ष्य है, वो जापान सरकार और केंद्र से अभी भी उसके बारे में निगोशिएशन वगैरह सब चल ही रहा है। 2023 तक काम करने का लक्ष्य है कि पूरे रेल का नेटवर्क जो है उसमें सेफ्टी बढ़ाने के लिए, सेफ्टी की एस्पेक्ट जो है आम जनता जिस रेल से सफर करते है उसमें सुधार लाने के लिए काम करना चाहिए। ये करने के लिए हमने जापान के साथ में समझौता किया। वो समझौता सिर्फ बुलेट ट्रेन से सीमित नहीं है, हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी मात्रा में रेल में सफर में हो। लेकिन मोदी और शिंजो आबे की इस तस्वीर से आखिर चीन क्यों जल रहा है, इसका जवाब भी बुलेट ट्रेन नहीं छिपा है।
एशिया के दोनों देश हाई स्पीड ट्रेनों के मामले में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं और इसी रेल बौर का नतीजा है कि जापान भारत की नजदीकी चीन को कांटे की तरह चुभ रही है। चीन जापान में छिड़े रेल बौर और भारत की रफ्तार की हसरतों का ताना बाना आपस में कितना गुत्थम गुत्था है और हिंदुस्तान को तकनीकी इस जंग का क्या फायदा मिलने वाला है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन वाकई में बहुत परेशान है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट उसके हाथ से जो निकल गया है, लेकिन चीन की परेशानी और बौखलाहट पर तफसील से चर्चा करने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि पीएम मोदी की बुलेट ट्रेन के सपने के साझीदार और कौन कौन से देश हैं। जापान ने तो शुरुआत की है, लेकिन पीएम मोदी का सपना देश में आधा दर्जन रूट्स पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने का है। यह सपना पूरा करने में कौन कौन से मुल्क हिंदुस्तान के हाथ से हाथ मिला रहे हैं, ये देख लीजिए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन तो जापान की ही मदद से दौड़ेगी। इंजन भी जापानी होगा और इसके पीछे लगे कोच भी। लेकिन खास बात यह है कि जापान बुलेट ट्रेन के साथ इसकी तकनीक भी भारत को देगा, जिसकी मदद से कुछ सालों में इसका निर्माण देश में भी शुरू हो पाएगा। लेकिन सिर्फ जापान ही नहीं, भारत की विकास को रफ्तार लगाने के प्रोजेक्ट में कई और देश भी साथ देने को तैयार खड़े हैं। भारत के करीब आधा दर्जन प्रस्तावित बुलेट ट्रेन रूट्स में से एक का जिम्मा जर्मनी के पास भी है। मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई, विजयवाड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को विकसित करने के लिए भारत और जर्मनी में समझौता हो चुका है। जर्मनी की मदद से मैसूर विजयवाड़ा रूट पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ाने का प्रोजेक्ट है और जर्मनी की एक्सपर्ट टीम इसकी स्टडी का काम अगले साल यानी 2017 से शुरू कर देगी। बुलेट ट्रेन के अलावा जर्मनी ने भारत के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर संवारने में भी दिलचस्पी दिखाई है। वैसे जर्मन इंजीनियरिंग अपने सुरक्षा मानकों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी महारत के साथ भारत में ट्रेन दुर्घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी जर्मनी सहयोग के लिए तैयार है। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर रूट पर रफ्तार वाली ट्रेन दौड़ाने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ हाथ मिलाया है। फ्रांस की रेल कंपनी सिस्टा ने 1.5 साल में बुलेट ट्रेन की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक 458 किलोमीटर के ट्रैक पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने का खर्च करीब 1,00,000 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने में 8 साल का वक्त लगेगा। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनियां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी विकसित करने में सहयोग करेंगी। स्पेन की टेलगो भारत में पहले ही तहलका मचा चुकी है। सेमी हाई स्पीड कैटेगरी की टेलगो ट्रेन का दिल्ली आगरा और दिल्ली मुंबई रूट पर कामयाब ट्रायल भी हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी इस यूरोपीय देश से भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना भी स्पेन की ही मदद से पूरा होगा। स्पेन की मदद से दिल्ली वाराणसी रूट पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा स्पेन की दो कंपनियों को दिया गया है, जिसमें अहम नाम इनेको कंपनी का है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन की फाइनल रिपोर्ट दिसंबर 2016 तक तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि इनेको कंपनी इससे पहले 2012 में भी हल्दिया हावड़ा रूट पर हाई स्पीड ट्रेन की रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। वैसे तो चीन भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना से शुरुआत से ही जुड़ा रहा है। चीन की सस्ती और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है और बुलेट ट्रेन के मामले में चीन पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। इसके बावजूद भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट उसके कट्टर विरोधी जापान की झोली में चले जाने से चीन खार खाए बैठा है। चीन के खार खाने की सारी वजहें और इसका असर हम आपको आगे बताएंगे। अभी ये समझ लीजिए कि भारत की रफ्तार के सफर में चीन कितना बड़ा हिस्सेदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट छिन जाने के बाद
चीन ने मेक इन इंडिया नीति अपनाकर भारत को लुभाने की कोशिश की है। चीन की सबसे बड़ी हाई स्पीड ट्रेन कंपनी रोलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन भारत में प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है। इसके तहत भारत में रेलवे इंजन बनाए जाएंगे, साथ ही इन इंजनों की रिपेयरिंग भी की जाएगी। ये प्रोजेक्ट हरियाणा के रेवाड़ी में CRCC पायोनियर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड के नाम से लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट में चीन का शेयर 51% रहेगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मेक इन इंडिया नीति के जरिए चीन भारत के बाकी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हथियाना चाहता है। लेकिन चीन का ये खेल इतना आसान भी नहीं है। यही वजह है कि चीनी मीडिया खिसियानी बिल्ली की तरह भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर लगातार आलोचना पे आलोचना किए जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बुलेट ट्रेन की ये जो डील भारत और जापान के बीच हुई है, ये चीन के दिल में बुलेट की तरह क्यों चुभी है, ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन लाने के लिए विदेशों से प्रस्ताव मंगाए गए थे, तो उसमें जापान के साथ चीन ने भी जबरदस्त उत्साह दिखाया था। लेकिन अब वही चीन भारत में जापान से आ रही बुलेट ट्रेन पर निशाना साध रहा है। सवाल यह है कि चीन को दिक्कत क्या है, जापान और भारत के बीच चल रहे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से क्यों परेशान है चीन? जापान की यह बुलेट ट्रेन अब हिंदुस्तान में रफ्तार का रिकॉर्ड बनाएगी, ये सोचकर हर हिंदुस्तानी रोमांचित है। लेकिन चीन के सीने पर सांप लौट रहे हैं। जी हाँ, मोदी के मिशन स्पीड वॉर ने चीन की नींद उड़ा दी है। वो हिंदुस्तान के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल मीडिया का कहना है, भारत की अंडर डेवलप इकोनॉमी में जापान की महंगी हाई स्पीड तकनीक वाले रेल प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होने वाला। सवाल है कि जो चीन खुद अपने यहाँ लगातार बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है, एक के बाद एक हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछा रहा है, उसे भारत में बुलेट ट्रेन के दौड़ने से क्यों ऐतराज है? आपको बता दें कि ये वही चीन है जिसने भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई बार बातचीत कर चुके थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट जापान को मिल गया और चीन हाथ मलता रह गया। कॉन्ट्रैक्ट की तो कई वजह होती हैं। रेलवे की तरफ से वजह ये है कि जापान ने विश्व में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाई थी, तो उनका जो तजुर्बा है वो किसी और देश के पास नहीं है। पर और सामरिक कारण भी हो सकते हैं, उसके बारे में रेलवे अपने आप निर्णय लेगी, वो निर्णय भारत सरकार के होते हैं। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी है, वो अभी भी भारत में अपनी बुलेट ट्रेन उतारने के सपने देख रहा है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर जापान का दावा पक्का हो चुका है। प्रदेश के दूसरे संभावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अभी भी विकल्प खुले हैं जिन पर चीन की नजर है। तो फिर ग्लोबल मीडिया के इस गुस्से की वजह क्या है? दरअसल जापान भारत में 6 और रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाना चाहता है। इसके लिए वो पीएम मोदी के साथ समझौते का इच्छुक है। आप ये भी जान लीजिए कि भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए ये रूट कौन कौन से हो सकते हैं। दिल्ली से मुंबई के बीच 1384 किलोमीटर लंबा रेल रूट, मुंबई से चेन्नई के बीच 1225 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, दिल्ली और कोलकाता के बीच 1447 किलोमीटर लंबा रेल रूट, दिल्ली नागपुर के बीच 1091 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और मुंबई नागपुर के 836 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर बुलेट ट्रेन लाए जाने की संभावना है। यानी जापान मुंबई अहमदाबाद रूट की तर्ज पर भारत के दूसरे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी विकसित करना चाहता है और यही है चीन की खुन्नस की वजह, क्योंकि अरबों खरबों के इस प्रोजेक्ट में चीन अपना फायदा देख रहा है। पर अब उसे लगता है कि इस बार भी ये प्रोजेक्ट जापान के हिस्से चला जाएगा। दरअसल बुलेट ट्रेन के लिए चीन के मुकाबले जापान पर पीएम मोदी के भरोसे की पुख्ता वजह है। जापान बुलेट ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश है।
जापानी बुलेट ट्रेन शिंकानसेन की रफ्तार अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन की तुलना में जापान का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सस्ता और तकनीकी रूप से उन्नत है। खुद पीएम मोदी भी जापान की बुलेट ट्रेन के मुरीद रहे हैं। इसके अलावा चीन के साथ रिश्तों में खटास भी इसकी बड़ी वजह है। साउथ चाइना सी से लेकर एनएसजी में सदस्यता तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चीन का अड़ियल रुख भारत के खिलाफ रहा है। चीन को जवाब देने के लिए भारत जापान और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। जाहिर है ऐसे में जापान के साथ होने वाली कोई भी डील भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। जहां तक जापान की बुलेट ट्रेन की खासियत की बात है तो ये अपने आप में पटरी पर चलता फिरता एक अजूबा है। रफ्तार ऐसी कि ये महज 8 सेकंड में आंखों से ओझल हो जाती है। इसकी बनावट तो शानदार है ही, ट्रेन के अंदर मौजूद सुविधाएं भी किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं। हालांकि जापान की तरह ही चीन की बुलेट ट्रेन पटरी पर तूफान की तरह दौड़ती है। तस्वीरें देख लीजिए, बाहर से अंदर तक चीनी बुलेट ट्रेन भी किसी शाहकार से कम नहीं। हाल ही में चीन ने 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अब जापान और चीन दोनों की बुलेट ट्रेन की तस्वीरें देख रहे हैं आप। कहना मुश्किल है कि कौन किससे बेहतर है। रफ्तार और लुक दोनों में कोई किसी से कम नहीं। दोनों ही देश लगातार बुलेट ट्रेन को और बेहतर बनाने में जुटे हैं। रजत राकेश टंडन और रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पीएम मोदी ने देश में बुलेट ट्रेन लाने का ऐलान किया था तब कई लोगों ने यह कहकर इस प्रोजेक्ट की आलोचना की थी कि भारत जैसे देश के लिए यह परियोजना हद से ज्यादा महंगी है और इससे आम यात्रियों को फायदा नहीं होगा। लेकिन अब यह करीब करीब साफ हो चुका है कि बुलेट ट्रेन समय और किराया दोनों ही बचाएगी, यानी दोनों के लिहाज से देश के लिए काफी फायदेमंद साबित होने जा रही है। कैसे होगा ये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सात घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। और किराया हवाई जहाज से भी कम होगा। मुंबई से अहमदाबाद की जो दूरी ट्रेन से तय करने में अब तक 8 घंटे लगते हैं, वही दूरी बुलेट ट्रेन के आने के बाद घटकर करीब 1/4 यानी 2 घंटे से भी कम रह जाएगी। यानी जितना वक्त आपको हवाई जहाज से लगता है उतने ही वक्त में आप ट्रेन से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मुंबई से अहमदाबाद रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, इनमें अधिकांश लोग ट्रेन से आवाजाही करते हैं, पर जिनके लिए एक एक मिनट कीमती होता है वह हवाई सफर को ही तवज्जो देते हैं, खासकर कारोबारी लोग। मुंबई से अहमदाबाद सफर करने का मतलब सुबह से रात तक सफर करते रहना, लेकिन यही सफर हवाई जहाज से सिर्फ 2 घंटे से भी कम के वक्त में पूरा हो जाता है। लेकिन बुलेट ट्रेन की बात ही कुछ और है। ये ट्रेन आपको हवाई जहाज से भी कम वक्त में आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। आप कहेंगे कैसे, वो समझिए। जेट एयरवेज, गो एयर और इंडिगो की फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करने में 70 मिनट लेती है, जबकि स्पाइस जेट और एयर इंडिया के विमान यही दूरी करीब 75 मिनट में तय कर लेते हैं। मतलब ये कि मुंबई अहमदाबाद रूट का हवाई सफर ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हवाई सफर का ये समय विमान के टेक ऑफ करने से लेकर लैंडिंग करने तक का है। यानी विमान के उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान आपका जो वक्त खर्च होता है या फिर लैंडिंग के बाद चेकआउट करने के दौरान जो समय लगता है वो अलग है। अगर कोई फ्लाइट 75 मिनट में मुंबई से अहमदाबाद पहुंचती है तो उसमें चेक इन और चेकआउट करने का कम से कम 1.5 से 2 घंटे समय और जोड़ दीजिए। इस हिसाब से आपको मुंबई से अहमदाबाद के बीच हवाई सफर में कम से कम 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन आपका ये कीमती समय भी बचा लेगी। वो सिर्फ 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करवा देगी। ये तो हुई समय की बात, अब जरा किराए की भी चर्चा कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन आने से पहले इस बेहद महंगे प्रोजेक्ट को देखते हुए ये कयास लग रहे थे कि बुलेट का किराया हवाई जहाज के किराए से कम नहीं होगा।
लेकिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने साफ कर दिया है कि बुलेट ट्रेन का सफर हर हाल में किसी भी हवाई जहाज के सफर से सस्ता होगा। मुंबई अहमदाबाद रूट पर अगर आपको हवाई जहाज से यात्रा करनी है तो एक तरफ का किराया भी कम से कम 3000 रुपया चाहिए। अलग अलग एयरलाइंस के इकोनॉमी क्लास के टिकट 3 से 4000 रुपए के बीच आते हैं। जिन्हें अपने मंजिल तक जल्दी पहुंचना है उन्हें यह किराया चुकाना ही पड़ता है। तो बुलेट ट्रेन को भारत लाने की ये शुरुआत है, लेकिन हमारे लिए इस खास पेशकश को खत्म करने का वक्त है।